देखिए, खोड़ा के इंस्पेक्टर साहब ने एक इनामी बदमाश को पकड़ा है जिस पे गैंगस्टर का मुकदमा कायम था। उस पर 15,000 रुपये का इनाम भी था। वो बेसिकली ठगी और लूट की जैसी घटनाएं इंदापुरम क्षेत्र में किया करता था, जिस पर मुकदमा इंदापुरम थाने में पंजीकृत हुआ गैंगस्टर की धाराओं में, और उसकी विवेचना इंस्पेक्टर खोड़ा कर रहे थे। यह इस बदमाश पे जिसका नाम आबिद है, उस पर 15,000 रुपये का इनाम भी था, और इसको खोड़ा कॉलोनी टी पॉइंट से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। कहाँ से वांछित चल रहा था सर ये? यह वांछित इंदिरापुरम थाने का था, जिसकी विवेचना खोड़ा इंस्पेक्टर कर रहे थे। गैंगस्टर में वांछित था ये, बाकी पुराने मुकदमों में जेल से अभी बाहर निकला था, उसके बाद फरार हो गया था। तो जब वांछित था, इस पर 15,000 का इनाम घोषित हुआ, तब इसको फिर पकड़ा गया। ये वांछित गैंगस्टर लगी थी, इस पर कहाँ से लगी थी और कैसे लगी इस पर? यहाँ पर इस पर गैंगस्टर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से लगा था, जिसमें ये इंदिरापुरम में स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग और लोगों से ठगी करने के बहुत सारे अपराध कर चुका था, और उन अपराधों में वांछित चल रहा था।